नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्ण। मैं कृति आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी धन परिवर्तन संबंधित कुछ जानकारी लेकर आई हूं जो आप लोगों को ये बताएगी कि अभी भी देश में क्या क्या हो रहा है। फोन जो हमारे स्मार्टफोन है उसके भी जरिए लोग धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को धर्मांतरण की और घर वापसी इन सभी की बहुत सारी न्यूज दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग द नेशनलिस्ट मीडिया को सर्च करिएगा, उसके होम पे जाइएगा, वीडियोस पे जाइएगा, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप एक एक करके सारी वीडियोस देखिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोग को देखने के लिए क्योंकि जब आप लोग देखेंगे तो आप हर तरह के धोखे फरेब से सतर्क रहेंगे। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि घटना कहाँ की है और क्या है। आपको बता दें, ये घटना है नैनीताल जिले के हल्द्वानी के लामाचौड़ा क्षेत्र की। लामाचौड़ा की रहने वाली एक युवती के साथ मुस्लिम युवक के द्वारा फोन पर अभद्र टिप्पणी करने और निकाह और धर्मांतरण का दबाव बनाने की धमकी देने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार इस घटना की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र के लोग और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लामाचौड़ा पुलिस चौकी पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि आरोपी का नाम यासीन खान है और वो फर्नीचर का काम करता है। ये भी बताया गया कि पीड़िता की शादी यूपी में कहीं तय हो चुकी है, जिसकी भनक आरोपी को लगी। उसके बाद सारी हरकतें और भी ज्यादा तेज हुई। आपको बता दें कि इस सब में हिंदू संगठन के कर्मचारियों ने, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसी संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने बताया कि युवती से फोन पर शादी का दबाव बनाने का मामला आया है। आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही हम उसे अपनी हिरासत में लेंगे। तो मैं भी यही अनुरोध करती हूँ, सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो ऐसी चीजें और भी ज्यादा बढ़ती रहेंगी और ऐसे अगर उनपे कुछ नहीं किया जाएगा, उनपे कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी, उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, तो ऐसे लोग वो अपने आप को समझेंगे कि क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, और ज्यादा लोग ये सारी चीजें करेंगे, करने की कोशिश भी करेंगे और करेंगे भी। तो मैं आप लोग अपने आप ही सोच रहे होंगे कि एक फोन से उस लड़की का सब कुछ बिगड़ सकता था। इस लड़की के इस जो नया संबंध उसका जुड़ने जा रहा था, जिस उसकी शादी तय हो रही थी, उस पे भी बहुत भारी असर पड़ सकता था। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोग, अभी तो आप लोगों ने देखा कि किस किस तरीके से कैसे लोग केंद्र खोल के और दबाव बनाते हैं धन परिवर्तन का। अभी आपके सामने एक नया मामला आया फोन के जरिए, तो आप सभी इन मामलों से सतर्क रहिएगा। आप सभी ये जब जान चुके हैं कि इन मामलों से धन परिवर्तन कराया जा रहा है, किया जा सकता है, तो आप लोग ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर शेयर करेंगे तो वो लोग इन मामलों से सतर्क रहेंगे, इन सारी चीजों से सतर्क रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। मेरा बस यही इतना कहना है कि आप लोग सेफ रहें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।